माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना वैसे तो पूरे देश के लिए वरदान है, लेकिन श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के लिए खास है। गरीबों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था कि धुएं से मुक्ति पाकर गैस सिलेंडर पर खाना बना सकें। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की माताओं एवं बहनों की परेशानियों को बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसका लाभ करोड़ों माताओं एवं बहनों को मिल रहा है। श्रावस्ती एवं बलरामपुर में उज्ज्वला योजना के सफल क्रियान्वयन की राह में सबसे बड़ी मुश्किल थी कि गरीब परिवार माताएं एवं बहनों का नाम सूची में सुविधाजनक तरीके से शामिल हो सके, लेकिन आदरणीय सांसद जी के प्रयास से इस पर गंभीरता से तेजी से कार्य किया गया और इस संसदीय क्षेत्र के पिछड़े तथा गरीब जनता का नाम दर्ज कर लिया गया। वहीं संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक गरीब जनमानस को पक्की छत मिल सके, इसके लिए जरूरतमंद लाभार्थियों का नाम सूची में दर्ज करने का कार्य बहुत तेजी से किया गया, तथा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो अक्सर इन लाभों से वंचित रह जाते थे, उन्हें लाभ प्रदान करने का कार्य माननीय सांसद ने निष्पक्षता के साथ किया है। इतना ही नहीं, संसदीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए कई कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, तथा समय समय पर जॉब फेयर का आयोजन भी किया जाता रहा है, जिससे क्षेत्र के युवा आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सकें। 15 जुलाई 2018 को विश्व कौशल दिवस के मौके पर सांसद श्री ददन मिश्रा जी के नेतृत्व में बलरामपुर में विशाल रैली निकाली गई। कई बार गोष्ठी का भी आयोजन कर जन जागरूकता का प्रसार भी किया जाता रहा है। यही नहीं, श्रावस्ती और बलरामपुर की जनता को फख्र के साथ गौरव होना चाहिए कि उनके बीच एक ऐसा सांसद है जिन पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के बाद सांसद श्री ददन मिश्रा जी पर श्रावस्ती तथा बलरामपुर की जनता को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जागरूक करने का जिम्मा दिया। सांसद श्री ददन मिश्रा अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और श्रावस्ती तथा बलरामपुर की जनता को धन्यवाद देते हैं, जिनके सहयोग से आज ये क्षेत्र विकास की राह पर चल पड़ा है। आइए हम इस विकास की रफ्तार को नई उड़ान दें, नई पहचान दें।